देखिए कितने बड़े हो गए। ओहो नए हाल ले आयो बादाम उठा ले जा बड़ी उठा ले की दिक्कत है। फिर भी देखिए काफी मिर्च है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल। दोस्तों बहुत तेज बारिश हुई है, अभी करीब एक घंटा हो गया बारिश होते हुए, अभी रुकी, अभी भी हल्की हल्की बूंद जो है वो आ रही है। और बारिश से पहले जो तेज तूफान आ था, तो देखते हैं कहीं पेड़ पौधों में कोई नुकसान तो नहीं हो गया, कोई पेड़ जो है वो खराब तो नहीं हो गया। अंधेरा हो गया था एकदम से, इतना मौसम हो गया था। मैं तो ऊपर एडिटिंग कर रहा था, जब बाहर निकल कर देखा तब पता चला। देखिए आपको दिखाता हूँ खेतों में कितना पानी, यहाँ पे देखिए क्यारियों में पानी कितना भरा हुआ है। इनका जाल जो है ये फिर से गिर गया। चलिए अंदर चल के देखते हैं। हमारे चीकू का जो पेड़ है उसमें थोड़ा सा ये है कि अगर तेज़ हवा चली होगी तो कोई चीकू ना गिर गया हो, क्योंकि चीकू का टाइम अब बिल्कुल तैयार है, चीकू कभी भी जो है पक सकते हैं। ये भैंस देखिए मेरे को देखते ऐसे करने लग जाती है। ये मराई चीकू चीकू, देखिए भैंस का जो इसको बोलते हैं जहाँ भैंस बनती है उसको बोलते हैं भैंस का ठान, तो इसमें पानी भर गया। अभी कीचड़ में जाने का मन तो कर नहीं रहा। चलिए दिखाता हूँ फिर भी आपको, धीरे धीरे चलते हैं। घास में पानी हो गया सारी में। दोस्तों यहाँ पे जो टमाटर है ये बहुत ही बढ़िया पेड़ है, देखिए इसके अंदर जो टमाटर है काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। बारिश के बाद तो यार सब कुछ हरा भरा हो गया। ये भी देखिए कितने अच्छे से अब ग्रो कर रही है। और ये हमारा सूरजमुखी देखिए, सनफ्लावर इस साइड से देखिए, न्यू साइड लाइटिंग इतनी अच्छे से नहीं है। अब देखिए यहाँ से शायद आपको दिख रहा हो ये सनफ्लावर, ये अनार का पेड़ है, इस पे अनार लगे हुए हैं। ये देखिए ये अनार बहुत अच्छा है, इसमें जो लकड़ी नहीं है अंदर, यानी कि बीज के अंदर जो है लकड़ी सी नहीं है। इस बार मौसम का कुछ पता नहीं, कभी कैसा मौसम हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी आ रही है। इस टाइम पे जो गर्मियाँ तेज़ होती थी, लेकिन इस बार जो है अभी भी हल्की हल्की ठंड लग रही है। वैसे तो अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही, लेकिन सीजन के हिसाब से सब होना चाहिए, गर्मी भी ठंड भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये चीकू ये कितना बड़ा बड़ा हो गया, ये देखिए पूरे पक के तैयार हो गए। इसका जो कलर है वो निकल आया इस बार, ये देखिए पीला पीला हो गया कलर भी इसका थोड़ा सा। अब ये रेडी है, कभी भी गिर सकते हैं। ये देखिए कितने बड़े हो गए चीकू। ये हर साल जो है अपनी ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं, और जो फ्रूटिंग है उसका टाइम भी बढ़ रहा है, और फ्लोवरिंग देखिए कितनी अच्छे से हो रही है। और ये जो इस पेड़ पे जो जाट का पेड़ है, इस पे आपको ये बेल दिख रही होगी जो इस पे चिपक के जा रही है, ये बेल बहुत ऊपर तक चली गई है, यानी कि पूरे पेड़ पे फैल गई। और इसमें फूल जो बहुत ज़्यादा आते हैं, पूरा जो ये पेड़ है तो जाट का, लेकिन इसमें देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा फूल के गुच्छे जो है वो लग जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों अभी मैं जो है जिम से आया हूँ, तो खेत में जो है अभी हम बाजरे की जुताई जो है वो करवा रहे हैं, और जुताई कर कल शाम कर दी थी, अभी जो है बिजाई कराएंगे। तो चलते हैं ट्रैक्टर पर बैठेंगे, ताकि जो दाने हैं वो सही से गिर रहे या नहीं वो चेक करेंगे। ओहो नए हल ले आयो, आगू में जोड़ दिया। बारिश जल्दी हो गई और अच्छी बारिश हो गई, जिसकी वजह से सारे लोग जो है बाजरा जो है वो अभी बिजाई करा रहे हैं बाजरे की, तो हमने सोचा हम भी करवा देते हैं। वहाँ पे जो टिटेरी बैठी है जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, कल गया ट्रैक्टर से उसके अंडे जो दब गए थे, तो फिर भाई ने बाद में निकाल के उसको दोबारा से बिठाया, बैठी आराम से। आज ये यहाँ से जाएगी नहीं, इसको डर लग रहा है कहीं कल की तरह ये जो है मिट्टी में ना दबा दे। दोस्तों ये बीज बच गया, तो ये क्या है अब अलग से जो हम पौध डालते हैं ना, वैसे डाल देंगे क्यारी में, और जहाँ जहाँ पे कम हो गया वहाँ पे इसको लगा देंगे। बाजरा में ठाल ले जा बड़ी उठा ले की दिक्कत है, गणची थी मुन्ना भाभी यही पौध घेर ली जो पल्लो भी पटोड़ पड़ो मेरे ख्याल से, खड़ दी हो गया काम, और ना वो तो ऐसे सारा खर्चो जोड़ के वापस भी लेना है, दोनों तीनों पकड़ वो बिखर गो, वो बिखर गो। देखे छोटी ले लिया है ना, जब यह कम लागे भाभी
मशीन या ऊपर ऊपर को डांस चली हुई है सुबह की आए उठाता तो देख लिए तू। दोस्तों बिजाई जो है वो करा दी हमने बाजरे की, देखते हैं इस बार जो है बहुत पहले जो है जो बाकी टाइम पे लगाते हैं उससे बहुत पहले लगाया है, पता नहीं कैसा होगा। सिर्फ हमने नहीं बाकी जो आसपास के जितने भी खेत हैं सभी ने जो है अभी बाजरा जो है इस बार बिजाई करा दी है क्योंकि अच्छी बारिश हुई थी और आगे भी जो है यानी कि जून के महीने में भी बता रहे हैं अखबार में न्यूज़ आ रही थी कि जून के महीने में भी ऐसा ही मौसम रहेगा यानी कि ज़्यादा तेज़ हीट वाली गर्मी नहीं होगी, कभी कभी बीच में बरसात भी होगी तो इसका मतलब ठीक है। एक चिड़िया है वहाँ पे पीले रंग की, कैमरे से आपको दिखेगा नहीं, उसको बोलते हैं भैया, जो वहाँ पे जो पेड़ है हमारे उसमें घोंसला बनाते हैं भैया पीले रंग का। अगर इसने बनाया इस बार तो आपको दिखाएंगे वो भैया का घोंसला। दोस्तों अभी जो है हम जाएंगे मेरे जो खेत में सब्जियां लगी हुई है उनका एक वीडियो शूट करके लाना है तो DSLR में साथ लेके जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा क्या क्या सब्जियां लगी हुई है। वैसे तो मैंने पहले भी आपको दिखाया था और कल ही जो है अदिति वहाँ से सब्जियां जो है वो तोड़ के ले आई थी, फिर भी कुछ सब्जियां बची होगी जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी जो टाइम है वो 6:40 हो गई लेकिन सूरज जो है अभी भी काफ़ी ऊपर है और अब क्या होगा यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर सूरज जो है नीचे ढल जाएगा जिससे हल्का हल्का जो है यानी कि अंधेरा तो 8 बजे के बाद होगा लेकिन इतनी रोशनी हो जाती है कि फिर जो वीडियो शूट है वो अच्छे से नहीं हो पाता यानी कि सूरज नीचे जाने के बाद जो है जो इमेज क्लियर नहीं आती, इसलिए जो है थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और थोड़ी देर पहले आता तो बिल्कुल धूप निकल रही थी जैसे दोपहर में होती है वैसे ही। सब्जियों के अंदर जो है काफ़ी घास खड़ी है वो सब निकालनी होगी। यहाँ पे शूट करेंगे वीडियो इन प्लांटों के, कल ही जो है इसमें से काफ़ी मिर्चें जो हैं वो ले गई थी अदिति, फिर भी देखिए काफ़ी मिर्चें यहाँ पे लगी हुई है। एक ये मिर्च देखिए, इसकी मिर्च जो है अलग है, इनका जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये इस तरह से रहती है और ये लाल रंग की होगी तब और भी तीखी मिर्च होगी। ये कितने कितने टमाटर लगे हुए हैं अब आप सोचिए, अगर एक दो प्लांट भी एक गमले में लगा लिया जाए तो टमाटर की कमी नहीं होगी। ये देखिए इसमें दो तरह के आते हैं, एक देसी ग्वार और एक ये इसको बोलते हैं यहाँ पे हाइब्रिड या चिकना ग्वार, इस तरह की इसमें फलियाँ लगती हैं और ये जो है ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए इस तरह से लगती चली जाती है। दोस्तों सूरज देखिए ढल चुका है और अभी मैं जो है घर जाऊँगा, वीडियो मैंने शूट कर लिया है, अब जाके एडिट करना होगा। एक्चुअली में क्या है मैं एक वीडियो जो है गार्डनिंग का पहले एडवांस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडवांस शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी रावी के मामा के घर जाएंगे तो वहाँ पे क्या है मुझे टाइम लग जाएगा तो शायद वीडियो मैं शूट ना कर पाऊँ, इसीलिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो पहले ही हम एडवांस रखते हैं ताकि हम टाइम पे डाल सकें। तो अभी मैं जाता हूँ घर, अंधेरा होने वाला है, वीडियो अभी शूट होगा नहीं और आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।